अरे ले 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 ले, ले चल हो गया जाऊं मैं, चलो बाय बाय बाय। सुन लेना, हमेशा मैं कहीं भी राइड में निकलता हूँ ना, मतलब दूर अकेले तो कुछ ना कुछ हमेशा कांड होता ही है। मैं बारिश ने ना मेरा जो स्पीड अप है ना वो पूरा स्लो कर दिया है। अपने शहर पे पहुंच चुका हूँ मैं, गुवाहाटी। मिल पाएंगे क्या हम तुमसे जो रात बीती सुबह तो आई ना, छोटी उम्र पर बड़ी नजर है, मिल जाएंगे ये हम तुमसे छुपा छुपाई नजर तो आई ना। ओके वेकियंस, तो बाइक को जो है ऑल सेट रेडी, मतलब कि पूरा सामान वामान सब पैक करके पूरा यहाँ पे पूरा बांध वान के सब लगेज रेडी हो चुका है, एंड कोल्ड स्टार्ट भी कर चुका हूँ। एंड यहाँ पे ये सस्ता ब्लॉगर कुछ तो ब्लॉग कर रहा है हेलमेट वेलमेट पहन के। ऋषि मेरे दोस्त, कुछ बोलना चाहोगे? क्यों दिमाग में कुछ बोलने का चीज ही नहीं है? क्यों नहीं है? अभी तो आप इतने सारे चीजें बोल रहे थे ब्लॉग में। आदमी इंसान से ज्यादा भारी तो हेलमेट है ना, इंसान से ज्यादा भारी तो सुमो रेसलर है। चलो मैन, वही कुछ सीन है। सो हेलो गाइस, माय नेम इज दीपक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी ब्लॉग्स। इसके बाद क्या बोलते हैं डी ब्लॉग्स के बाद क्या बोलते हैं? गुड गुड। तो अभी का सीन क्या है गाइस, सब हो चुका है रेडी, एंड यहाँ पे बुआ जी पूरा मतलब मुझे सी ऑफ करने के लिए रेडी हो चुके हैं। ठीक है ना? और रोगे क्या? नहीं नहीं, पक्का? अभी थोड़ी देर में मैं बाइक में बैठूंगा ना, फिर रोना शुरू कर देगी मैंने। अभी क्या गया, अभी टाइम पता है कितना हो रखा है? ये देखो टाइम ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं, मतलब कि इतना लेट हो गया, 7-8 घंटे में मैं गुवाहाटी पहुंच जाऊंगा इसके कारण। तो बुआ ने कहा कि अभी जा ही रहा तो डायरेक्ट खाना वाना खा के जा, तो इसलिए हम लोगों ने मस्त चिकन भात पूरा सब खा के पूरा मस्त हो चुका हूँ, एंड जाने के लिए एकदम ऑल सेट रेडी। अद्दू बाय बाय, हाई फाई। चलो अभी भी बाय बाय, एग्जाम अच्छे से देना। कितना परसेंटेज लाएगा? नेट लाएंगे। तो इसको गाइस, इसको भी कमेंट सेक्शन में ऑल द बेस्ट विश करो। ये भी अभी 10th का एग्जाम दे रहा है ना, तो इसके कारण अब इसका 2-3 एग्जाम है, उसके बाद तो मौज करेगा लड़का। बनाएंगे हम भी ब्लॉग, उसके बाद ये भी ब्लॉग बनाएगा। तो चलो ऋषि बाय बाय, हेलमेट नहीं दोगे मुझे? हाई फाई दो, हाई फाई दो। चलो चलो हाई फाई, बाय बाय। चलो थैंक यू सो मच। ओके बॉस, अगली बार आओगे तो बाइक लेकर मत आना। क्यों? अच्छा चलो बाय 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 ऋषि, आया दो ला, थैंक यू सो मच, बाय बाय ला ला। अरे ले 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 ले, चल हो गया जाऊँ मैं, चलो बाय बाय बाय। चलो मैन, तो फाइनली 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 आज वापस घर जा रहे हैं मैन, सुपर डुपर एक्साइटेड मैन, सुपर डुपर एक्साइटेड। इतने दिनों से गाइस ऑलमोस्ट 20 दिन हो चुके हैं घर से बाहर हूँ मैन। अब तो लो गाइस, तो मतलब कि हमेशा मैं कहीं भी राइड में निकलता हूँ ना, मतलब दूर अकेले तो कुछ ना कुछ हमेशा कांड होता ही है मैन। घर से 6 किलोमीटर आया ही था कि घर पे जो है रेनकोट भूल गया, तो रेनकोट भूल के मैंने जल्द से जल्द अभी को फोन किया, और यहाँ पे अभी और फूफू फिर से आ गए मुझे रेनकोट देने के लिए। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय। अब ये फाइनल वाला बाय बाय है, इसके बाद मैंने कुछ भूला नहीं है। बाय 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 बाय। चलो अब जाएंगे डायरेक्ट पेट्रोल रिफिल कराने, एंड देन सीधा नॉन स्टॉप टिल गुवाहाटी। हेलो वेकियंस, तो रिफिल भराना डन हो चुका है, एंड सीधा निकलना है अपना सफर के लिए, बैक टू होम बेबे। एंड रिफिल जाना गाइस, मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट का पेट्रोल भराया है, ज़्यादा नहीं भरवाया, क्योंकि यहाँ पे जो है ना रिफिल का दाम बहुत ही ज़्यादा है। मैंने 115 रुपये चल रहा है लिटरली मैन। 100-150 किलोमीटर बाद में मैं आसाम पहुँच जाऊँगा ना, तो वहीं पर जाके भरा लूँगा, और वहाँ पे अराउंड 102 या 103 रुपये पर लीटर है। दिल मेरा पर तुम सुन ना पाए हमारी बात, ओए ओए चुरा के दिल तेरा, हम दूर भागे तेरे बिना। ओके वेकियंस, तो बाइक चला चला के इतना फील आ रहा था कि भाई गुवाहाटी से सिलीगुड़ी निकलते वक्त जैसा फील आ रहा था ना, वैसा ही फील आते आते मैं बाइक चलाते 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 ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर कवर कर चुका हूँ, और मतलब ऐसे जगह पे ऐसे मैं रुका यहाँ पे टॉयलेट करने के लिए, एंड फिर से निकल पड़ेंगे। एंड गाइस, मोटर ब्लॉगिंग में मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज ऑफ विंड नॉइस इतना आ रहा है ना, तो वॉइस मुझे बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ रहा है, तो इसके कारण जो है मैं पूरा राइड में फोकस कर रहा हूँ। सो फार मजा आ रहा है मैन, 350 किलोमीटर बचा हुआ है, जो कि हम आराम से 8-9 बजे तक तो पहुंच ही जाएंगे मैन। चलो मैन, राइड को एंजॉय कर करके घर पहुंचते हैं मैन। बहुत ही सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ मैन फाइनली अपने सिटी पे जाने के लिए गुवाहाटी। चलो मैन, दिल मेरा पर तुम सुन ना पाए हमारी बात, ओए ओए ओ चुरा के दिल तेरा, हम दूर भागे तेरे बिना।
काहे हमसे नाराज रहना, सजाए हम तेरी राम। लो वेकेंस, तो बाइक चलाते चलाते जो है ऐसे ऑफ रोडिंग वाले जगह पे आ चुके हैं, और ये ऑफ रोडिंग पैच कुछ ज़्यादा नहीं है गाइस, थोड़ा मोड़ा सा ही है। तो इसको कवर करते ही जो है फिर से 12 लेन रास्ता आ जाएगा, एंड बोगाएगा क्रॉस करने के बाद 4 लेन रास्ता भी आ जाएगा मैन। और यहाँ पे देखो 4 लेन रास्ता जो है ना वो बन रहा है, सो फार राइड करके मज़ा आ रहा है मैन। एंड ऊपर देखो वेदर इतना सेक्सी हो रखा है ना गाइस कि अलग लेवल का फील आ रहा है। देखो ऐसा तो लग रहा है कि बारिश देगा, पर बारिश तो नहीं देगा क्योंकि इंद्रदेव का पता है ना, डी भाई आ रहा है आज गुवाहाटी, तो इसके कारण बारिश नहीं देगा। लेट्स सी, अगर बारिश दिया तो कोई टेंशन नहीं है मैन, अपने पास सब जुगाड़ है मैन, सब जुगाड़ है। चलो चलो चलो, बाइक लेने का फायदा उठाओ बेबे। ट्रक वालों को भी ऐसे ऑफ रोडिंग में ओवरटेक करना है तो हमें क्या करना होगा मैन? लेट्स गो, रेडी टू रोल बेबे। ऐसे टाइप के रास्ते जो है ना आपका डी भाई जो है नेपाल पे मिस कर रहा था मैं। सवेरे दिन रात न पाए चैना, सुन लेना तुम्हें चाकर भी न चाहे, करे जो मन मानी है मन ना माने। एंड फाइनली 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 आपका डी भाई जो है वापस असम पहुंच चुका है अपने स्टेट पे। एंड भाई बहुत ही अलग लेवल का फील आ रहा है मैन, बहुत ही अलग लेवल का फील आ रहा है यार। अभी जो जगह पे हूं ना गाइस, ये जगह का नाम है कोकराझार। कोकराझार वालों अगर कोई व्लॉग देख रहा है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो फ्रॉम कोकराझार। अभी यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत भूख लगना शुरू हो चुका है गाइस, और यही कहीं पे रुक के कुछ ना कुछ खा लूँगा, ऐसे जैसे कि चाय वगैरह बिस्किट वगैरह या तो कुछ मिलेगा तो वो खा लूँगा, क्योंकि जितना लेट करके मैं खाऊँगा ना गाइस उतना मेरा राइड स्लो होगा, प्लस मुझे जो है ना उतना ही इरिटेट फील होते रहेगा, क्योंकि पता नहीं मुझे ये मेरा स्टार्टिंग से हैबिट है गाइस, आपका डी भाई को भूख लगती ना इरिटेट होना चालू हो जाता हूँ मैं। So guys, मैं रुकूंगा कहते 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 और 50 किलोमीटर आगे आके जो है ऑलमोस्ट बोगाईगांव पहुंचने वाला हूँ। बोगाईगांव जो है लगभग यहाँ से और 10 टू 15 किलोमीटर है, तो मतलब कि यहाँ पे रुक के जो है मैंने चाउमीन समोसा चाय, तो अभी जो है ना मैं यहाँ पे रुका था, ये कुछ भाई भाई रेस्टोरेंट है यहाँ पे, तो भाई भाई का रेस्टोरेंट है, समझ रहे हो। और ये जो जगह का नाम है ना ये है कुछ पलमगुरी। बारिश ने ना मेरा जो स्पीड अप है ना वो पूरा स्लो कर दिया है। यहाँ से जो है गाइस गुवाहाटी और 200 किलोमीटर है यार, मतलब कि मेरा लगेज जो था ना गाइस, ये वाला जो था ना रेन कवर, इसमें इतना सामान घुसा है कि रेन कवर अच्छे से कवर नहीं हुआ, तो इसके कारण मैं यहाँ पे एक भाई से जो है प्लास्टिक लेके इसमें मैंने लगा दिया है। एंड ऑल गुड, एंड हम भी ऑल गुड, एंड गोप्रो को भी गाइस मैंने अंदर घुसा दिया क्योंकि मैंने चाहता कि मेरा गोप्रो खराब हो, तो अभी यहाँ से निकलेंगे एंड नॉन स्टॉप चलते रहेंगे मैं। 200 किलोमीटर है अभी जो है ना, लगभग बच चुका है 5, 8, 9, 10, ये तीनों में से एक टाइम में मैं पहुंच ही जाऊंगा मैं घर पे। लेट्स सी, एंड ऑल्सो पहुंचते पहुंचते जो है झालुकबाड़ी में मुझे गंदा वाला ट्रैफिक मिलने वाला है। जो भी हो सो फार मजा आ रहा है, लेकिन बारिश जो है ना बहुत ही स्पीड अप स्लो कर दे रहा है मैन। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, लेट्स गो मैन। हेलो वेकियंस, तो बाइक चलाते चलाते हो चुका है अंधेरा, एंड भाई साहब अब ज्यादा नहीं, लगभग और 150 किलोमीटर बचा हुआ है, एंड आपका भाई जो है डी भाई जो है फाइनली पहुंच जाएगा मैन अपने घर। अंधेरा हो चुका है अब तो, धीरे धीरे स्लो स्लो आराम आराम से जाना पड़ेगा बेबे। एंड भाई नेपाल राइड सक्सेसफुल हो गया मैन, सक्सेसफुल हो गया मैन। एंड ऐसे चल रहा हूँ ना गाइस, तो ऐसे नंबर प्लेट जो मैचिंग मैचिंग दिख रहा है ना बहुत ही बढ़िया लग रहा है मैन। जब मैं नेपाल गया था भाई, नेपाल में तो सबसे यूनिक नंबर प्लेट मेरा ही था मैन, AS01EJ6492, और बाकी लोगों का सब ऐसा कुछ टाइप का था। एंड उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल में आया, तो फिर वेस्ट बंगाल में WB70 ऐसा कुछ नंबर। जब कुछ बिहार छोड़ के कोकराझार एंटर किया तब जाके फील आया मैन। अब तो आ रहा सबास आ रही बरार, करना इंकार बार बार देना साथ। तो आपका भाई को देख रहे हो रेनकोट में, मतलब कि पूरा बाइक चला चला के आके जो है ना अभी हम पहुंच चुके हैं मदनपुर। और ये वाला जो यहाँ पे जो टोल गेट देख रहे हो ना, ये जो टोल गेट है ना ये हम लोगों का गुवाहाटी का लास्ट टोल गेट है, मतलब कि ये टोल गेट के बाद जो है अभी कुछ टोल गेट नहीं मिलेगा आगे। और यहाँ से जो है झालुकबाड़ी और 10 से 15 किलोमीटर है, एंड आपका डी भाई जो है सही सलामत पहुंच चुका है। और मतलब कि सीन क्या होने का गाइस, बहुत ही गंदा वाला बारिश दे रहा था ना, तो इसके कारण जो है हम पूरा रेनकोट पहन के कैमरा मैन को अंदर डाल के पुलन चला के आ रहे हैं। चलो यहाँ पे अभी बारिश का तो मौसम नहीं है, मोटर ब्लॉगिंग का सेटअप लगाते हैं और निकल पड़ते हैं। लेट्स गो। इस बारिश ने गाइस मेरा पूरा टाइम नुकसान कर दिया मैन, बहुत ज्यादा टाइम नुकसान कर दिया यार।
कहीं बारिश दे रहा है, कभी नहीं दे रहा है, कहीं दे रहा है, कहीं नहीं दे रहा है, ऐसा कर करके मतलब मैं बहुत जगह रुक रुक के आना पड़ा। अब जो है ना वेकियन सीधा सरायघाट बीच पे पहुंच के ही मिलता हूं मैं आप लोगों से। चलो मैन लो गाइस, फाइनली 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 मैन सरायघाट ब्रिज पहुंच चुका हूं और अपने शहर पे पहुंच चुका हूं मैन, गुवाहाटी बेवे। अब ऐसे राइड कर करके जो है घर तक पहुंचते हैं एंड आपको मैं अब सीधा मिलता हूं घर ही पहुंच के मैन, क्योंकि देखो अभी सब जगह अंधेरा ही अंधेरा है तो रात के वक्त शूट करके कुछ फ़ायदा ही नहीं है मैन, सब काला ही काला आएगा और सिनेमेटिक लू भी तो क्या लू है ना। तो चलो मैन मिलता हूँ सीधा घर ही पहुँच के यार। लो वेकियंस पहुँच गए जहाँ से हमने अपना राइड शुरू किया था गणपति पापा का नाम लेके, सो गणपति पापा को थैंक यू बोलते हैं मैन। हेलो वेकियंस, दिस इज द नेक्स्ट डे एक्चुअली, और मतलब कि कल गणपति पापा को थैंक यू कहकर जो है हम वापस घर आ गए, और घर आके गए ऐसा थक गया था कि हम सीधा आए और नहा आके सीधा सो गए मैन। और देखो अपने पिंजड़े पे आ चुके हैं वापस, और ये पिंजड़े पे जो है कुछ ही दिन ब्लॉक करेंगे एंड उसके बाद फिर से हम निकल पड़ेंगे अपर आसम के लिए। एंड जो जो अपर आसम से देख रहे हो गाइस बी रेडी, पिछले एक साल से आप लोग कह रहे कि भाई अपर आसम राइड करो अपर आसम राइड करो, तो अपर आसम राइड भी बहुत जल्द होने वाला है एंड भाई मैं वही खुश हूँ कि मैन नेपाल राइड जो है फाइनली 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 सक्सेसफुल हो गया एंड मतलब कि सेफ घर पहुंच चुका हूँ मैन। लिटरली मैन मैं पूरा हार मान चुका था जब मेरा चेन पॉकेट टूटा था ना, तो सोचो मैन अगर मामा जी नहीं होते ना तो ये राइड जो है ना कभी कम्प्लीट होता ही नहीं एंड हम वही घर पे बैठ के जो है वही पुराना स्टाइल का कभी बाइक का ये बनाते कभी वो बनाते, ऐसा राइड कभी होता ही नहीं। एंड मुझे पता है अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई व्यूज नहीं आ रहे इतने, तो व्यूज का कोई टेंशन नहीं है, वो फ्यूचर में आ जाएगा मुझे पता है, इतना कॉन्फिडेंट है आपका डीवाई को। एंड मतलब कि एक मैं सोच रहा हूँ कि भाई एक मस्त ट्रेलर बनाऊ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि भाई ट्रेलर बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक ट्रेलर बनाओ, मस्त एक प्लेलिस्ट बनाओ एंड उसके बाद जो है ना व्यूज का बरसात होगा आपका डीवाई का, जितना भी एपिसोड बनाया ना मैंने ये मिला के टोटल 12 एपिसोड होने वाला है। तो फाइनली जो है अपना जुमसुंग मुस्तांग नेपाल राइड जो है यहीं पे खत्म होता है एंड स्पेशल थैंक्स टू मामा जी। आई नो मैं व्लॉग में बहुत ही ज्यादा क्रेडिट दे रहा हूँ मामा जी को, पर उतना बनता है मैन, क्योंकि ही डिड अ लॉट फॉर मी, और आजकल ना ऐसे जनरेशन पे इतना कोई नहीं करता है मैन, कोई नहीं, समझ रहे हो, तो उन्होंने किया, दैट्स व्हाई आई एम वेरी थैंकफुल। एंड ऑल्सो मामा जी कुछ अलग प्लान भी कर रहे हैं तो उसको जो है फ्यूचर में बताएंगे बहुत जल्द। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है मैन, मैंने सोलो राइड गुवाहाटी से पोखरा जाके फिर आना, मतलब कि वाह वाह, अब तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ चुका है ना गाइस कि अब तो मैं लद्दाख भी अकेले चल लूंगा, पर लद्दाख हम अकेले नहीं जाएंगे ग्रुप में जाएंगे एंड बहुत जल्द प्लान भी कर रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है, होप फॉर द बेस्ट। सो वही कुछ सीन है मैन, आज के ब्लॉग में बस इतने रखते गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करने का, शेयर करने का एंड कमेंट करने का, और कुछ 6-7 ब्लॉग आएंगे गुवाहाटी पे एंड उसके बाद फिर से जो है हम निकल पड़ेंगे अपर आसाम। सो या एंड हमेशा याद रखना गाइस, जब भी आप जर्नी शुरू करोगे ना तो गणपति पापा का नाम लेना और निकलते पड़ना जैसे हमने किया एंड थैंक गॉड उनके वजह से हमें जो है कुछ नहीं हुआ, मतलब कि सेफ साउंड घर पहुंच गए, घर वालों के आशीर्वाद भी है इसमें, वही छोटा मोटा सा एक सीन हुआ था पर वो सब नॉर्मल है, कुछ नहीं मैंने। चलो मैं तो बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, पीस। दिल मेरा पर तुम सुन ना पाए हमारी बात। अरे जगह नाम क्या दादा? तो आपका भाई को देख रहे हो रेनकोट में।